बाबा गणिनाथ की जन्मस्थली महनार के पलवैया धाम को अभी तक पर्यटक के रूप में विकसित नहीं करने को लेकर लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। वैशाली जिला के विभिन्न गांवों में लोगों ने हवन कार्यक्रम किया तथा सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि बीते दो साल पहले 2018 में धाम को पर्यटक के रूप में विकसित करने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। और इस दौरान पलवैया धाम को पर्यटक के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 7,62,00,000 का बजट स्वीकृत करने की घोषणा भी की थी, लेकिन शिलान्यास के बाद सरकार अपने वादों को भूल गई, जिसके चलते अभी तक पलवैया धाम के विकास कार्यक्रम ठप पड़ा हुआ है। अखिल भारतीय वैश्य सभा और कानू हलवाई चेतना मंच ने आरोप लगाया है कि सरकार कानू हलवाई समाज की उपेक्षा कर रही है, जिसके चलते पलवैया धाम का विकास कार्यक्रम शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में हवन कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सरकार को सद्बुद्धि देने और विकास कार्यक्रम को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। इस सद्बुद्धि यज्ञ में लोजपा के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस, प्रोफेसर अरुण विश्वनाथ शाह, रामनाथ रमन, मुकेश गुप्ता, सुमित सहगल, सनातन कुमार, प्रोफेसर राजेश्वर गुप्त, नंदन कानू, रामानंद शाह, अनिल गुप्ता, मलेश्वर शाह आदि उपस्थित थे। लेकिन आज तक एक रुपया का काम वहां नहीं किया। सरकार घोषणा की थी, वह घोषणा 7,87,00,000 रुपए का था, जिसमें वहाँ के भवन, जो पर्यटन के लिए भवन का निर्माण करना था, सीढ़ी का निर्माण करना था, गेट का निर्माण करना था, वह कार्यक्रम के शिलान्यास में माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, पर्यटन मंत्री माननीय प्रमोद कुमार जी और हम लोग के नेता, शोषित पीड़ित के नेता, बेजुबानों के जुबान, हमारे गार्जियन आदरणीय रामविलास पासवान जी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा टेंडर के अलावे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ और न एक भवन का ईंटा रखा गया, न एक सीढ़ी का। इसी के लिए हवन जग है जी, इसी कहां हो रहा है। ये पूरे देश के अलावे जो कानू हलवाई समाज बाबा गणिनाथ के मानने वाले लोग हैं, यहां तक कि नेपाल के लोग भी आज इस हवन कार्यक्रम में सरकार को जगाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है कि सरकार यह जो घोषणा की है वह घोषणा को पूरा करे, ताकि हलवाई कानू समाज को किसी तरह का दिक्कत नहीं।